रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। पाकिस्तान देसी रेसिपीज़ यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। आज की जो रेसिपी है वो जो है शरबत की रेसिपी है, बादाम की शरबत की रेसिपी है। आप सोच रहे होंगे मैंने एक रेसिपी पहले भी दी थी बादाम की शरबत की, वो जो है सर्दाई की रेसिपी थी, ठंडाई की रेसिपी थी, फ्रेश बादाम की शरबत की रेसिपी थी। ये जो है हम बना के इसको बोतल में रखेंगे और जब भी रिक्वायर होगा बोतल से निकालें, पानी में मिक्स करें और ये लें, आपका ठंडा ठार बादाम का हेल्दी शरबत तैयार है। तो इसके लिए बहुत मज़े का बनता है और ज़्यादा चीज़ें भी रिक्वायर नहीं होती, घर में बन जाता है। जैसे आपको बाज़ार से जो है डिफरेंट ब्रांड्स की आपको बनी बनाई जो है बादाम की शरबत की बोतलें मिलती हैं, बिल्कुल वैसा ही बनता है, बल्कि उससे भी ज़्यादा अच्छा बनता है ये। घर में बनाएंगे तो बेस्ट, चूँकि होम मेड इज़ दी बेस्ट। ओके, तो इसके लिए ज़्यादा चीज़ें हमें रिक्वायर नहीं होंगी। जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उसमें सबसे पहले जो है यहाँ पर चीनी है। चीनी जो है हमें 1.5 किलो चाहिए चीनी, और इसके अलावा इसके साथ पे पड़ा हुआ है बादाम। बादाम हमें कितने रिक्वायर्ड हैं, ये हैं आधा पाव बादाम है और आधा पाव रिक्वायर्ड होंगे हमें बादाम, और पाल लिया है और आप देख सकते हैं छिलके के बगैर हैं। और इसके साथ जो है ये कुटी हुई इलायची है, इलायची पाउडर कह लें या फिर कंप्लीट जो है छिलके समेत है, छिलके समेत ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो ये इलायची है, इलायची जो है हमने 12 दत ली है, उसको अच्छी तरीके से कूट लिया है। और इसके साथ जो है पानी जाएगा, पानी तकरीबन कितना जाएगा, पानी जाएगा 1 लीटर के करीब। और इस तरह जो है ये सारी मेजरमेंट होगी हमारी जो है 2 बोतलों के लिए, यानी हम जो है तकरीबन 2 बोतलें जो है शरबत की तैयार कर लेंगे इसे। और ये इसे अब सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे, ये जो बादाम है इसको मैं क्या करूंगी, इसको जो है मैं ग्राइंडर में डाल के अच्छी तरीके से पीसूंगी। पीसने के बाद जो है ग्राइंड करने के बाद इसको मैं क्या करूंगी, इसको छानूंगी, छान के इसका जो जूस है वो निकाल लेंगे। और हमें जूस ही रिक्वायर्ड है, हमें जो है उसके ऊपर जो इसकी जो लेफ्ट ओवर है जो बचता है जो पीछे जो है उसका, और तो वो हमें नहीं रिक्वायर्ड है, हमें सिर्फ जूस चाहिए है बादाम की शरबत के लिए। तो पहले मैं ये आपको जूस रेडी करके दिखाती हूँ कि कैसा दिखता है, और फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मैंने तैयार कर लिया है ग्राइंड करके, और आप देख सकते हैं ये काफ़ी थिक है और इसी तरह का आपको होना चाहिए। और तकरीबन 1 किलो के करीब है कि जूस जो है पानी ऐड करके हमने ग्राइंड किया था बादामों को, और ये हो गया है रेडी। और जो एक्स्ट्रा जो मैंने कहा था जो हमने फेंकना है, जो हमने नहीं ऐड करना, वो ये है, आप देख सकते हैं ये वाला जो है ये हमने नहीं ऐड करना, इसके अंदर से बिल्कुल जूस नहीं है, ये जो है वेस्टेज है तो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे इसको। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले हमें एक बर्तन लेंगे, इसके अंदर जो है आमंड जूस ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐड कर दिया है मैंने, और इसके बाद इसके अंदर जो है इलायची चीनी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी जाएगी, सारी चीनी भी ऐड कर दी है हमने, और इसके बाद जो है अब इसको इलायची पाउडर इसके अंदर ऐड करेंगे, और इसके बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और स्टोव अभी ऑन नहीं करना आपने, पहले चीनी को अच्छे तरीके से इसके अंदर डिजोल्व करना है, और उसके बाद फिर हम इसको चूल्हे को ऑन करेंगे। मैं इसको डिजोल्व करने वाली हूँ, अच्छे तरीके से हल्के हाथ से इसको डिजोल्व करते जाएं। आप देख सकते हैं कंसिस्टेंसी इसकी, और बिल्कुल वाइट है जो जूस है, और ये गाढ़ा भी है, और ये क्योंकि हमें गाढ़ा ही चाहिए, हम होममेड जो है शरबत बना रहे हैं, कमर्शियल नहीं है, और इस वजह से तो है हम इसमें ज़रा बादाम ज़्यादा ऐड किए हमने। मुझे 5 से 6 मिनट लगे हैं इस चीनी को डिजोल्व करते हुए, और डिजोल्व हो चुकी है चीनी। अब हम स्टोव को ऑन करेंगे, चूल्हे को ऑन करेंगे, और इसको फुल आंच पे पहले बॉयल आने तक पकाएंगे। जब फुल आंच पे बॉयल आ जाए तो उसकी आंच जो है मीडियम कर देंगे, फिर इसको पकाएंगे। और कब तक पकाना है ये आपको मैं नेक्स्ट बताऊंगी। उबाल आ चुका है, अब हम आंच को जो है वो कम कर देंगे
मीडियम कर देंगे और इसके अंदर चम्मच हिलाएंगे। और आपको मैं एक और बात बताती चलूँ कि वो ये है कि मैंने जो बर्तन में आपको पहले दिखाया था उसमें मैंने चीनी डिजोल्व की, उसको मैंने फिर बड़े खुले बर्तन में डाल दिया है। आप तकरीबन पतीला वगैरह कोई ले लें, और क्यों, क्योंकि इसको बॉयल बहुत आता है और ये उबलता बहुत है। और देख लें जो पतीला है वो मेरा सिर्फ दो हिस्से खाली है और दो हिस्से जो है इसमें हमारा जो है मिक्सचर है। तो इतना का आपने बर्तन लेना है ताकि ये खुली अच्छे तरीके से इसके अंदर जोश आए और अच्छे तरीके से ये पके। तो आप देख सकते हैं एक उबाल आ चुका है और अब इसको हम नेक्स्ट पकाएंगे। और पकाना कब तक है, हमने इसको इसको तब तक पकाना है जब तक के इसके अंदर का जो पानी है वो खुश्क नहीं हो जाता और जो है ये नहीं हो जाता है। और जब हम इसको ठंडा करके एक प्लेट में ड्रॉप डालें और ठंडा करके उसको हाथ लगाएं तो वो अपने हमारे हाथ में स्टिक होना चाहिए, चिपचिपाहट महसूस होनी चाहिए अच्छी खासी। तो हम कहेंगे तब ये हमारा जो शरबत है बादाम का वो रेडी हो जाएगा। और मैं इसको रेडी करती हूँ और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ मुझे कितना टाइम लगा है इसको कम्प्लीटली रेडी करने के लिए। और आपको फिर मैं दिखाती भी हूँ कि चेक कैसे करते हैं कि ये रेडी हुआ है या नहीं। ओके तो व्यूअर्स, जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा शरबत रेडी है और मुझे इसे पकाने में तकरीबन जो है 25 मिनट लगे हैं। 25 मिनट में ये रेडी हो चुका है। और ये चेक करने के लिए कि ये रेडी है ये नहीं है, जब हम इसको चम्मच पे उठाते हैं तो ये देखें इसके जो है ड्रॉप्स गिर रहे हैं। और ये देखें, देखिए जैसे आप देख सकते हैं, तो इस तरह जब एक पूरा ड्रॉप बन के गिरेगा तो ये समझ लें कि आपका जो शरबत है वो देख लें रेडी है। और इसके अलावा जो है जब आप उसको हाथ में लेके थोड़ा सा करेंगे तो आपके हाथ जो है अच्छे खासे चिपचिपाहट महसूस होनी चाहिए, आपके हाथों में आपके हाथ थोड़े से जुड़ने चाहिए। तो आप समझ लीजिए का हमारा जो शरबत है वो रेडी है। और अब हम इसको क्या करेंगे, इसको गर्म गर्म जो है हम इसको छानेंगे एक दफ़ा, और इसके बाद जो है इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद बॉटल्स में भर लेंगे। और जो है मैं ये काम करती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। हमारा रिफ्रेशिंग मज़े का बादाम का शरबत बिल्कुल रेडी है। बादाम के शरबत की बोतल बिल्कुल रेडी है। एक बोतल मैंने भरी है, एक बोतल भर के मैं रख चुकी हूँ। तो ये जो है बोतल आपको दिखाने के लिए कि ये देख लें, इस तरह की दो बोतलें इससे तैयार हो जाती हैं। और साथ में मैंने ग्लास इसलिए रखा है कि मैं आपको थोड़ा सा बना के भी दिखाऊंगी कि कैसा ये बनता है और कैसे बनता है ये। और जो है बहुत मज़े का बनता है, बहुत रिफ्रेशिंग है। इसको आप महीना रखें, 2 महीना रखें तो कोई ये ख़राब नहीं होता, कोई मसला नहीं होता। जैसे बाजार का नहीं ख़राब होता, ये भी ऐसे नहीं ख़राब नहीं होते। तो अब मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा इसके अंदर ऐड कर दूँगी। आप अपने हिसाब से अपने जो है मीठे, जितना मीठा आपको पसंद है उस हिसाब से आप जो है ग्लास में ऐड करें, ठंडा पानी ऐड करें, मिक्स करें। और ये ले बादाम का शरबत विद इन नो टाइम जो है वो तैयार हो चुका है। हाँ, एक दफा आपको टाइम लगता है बनाने में, लेकिन उसके बाद नहीं। इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऐड करूंगी क्योंकि मैं जो है मीठा कम पीती हूँ, तो दैट्स व्हाई बस इतना सा ऐड करूंगी। तकरीबन ये 2 चम्मच ऐड हो चुका है, 2 टेबल स्पून के करीब। और अब इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड कर दिया है मैंने, मिक्स करेंगे। अच्छे तरीके से इसको मिक्स करेंगे और ये मिक्स हो चुका है। और आप देख सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये मिक्स हो चुका है अच्छे तरीके से। और जो है हमारा रिफ्रेशिंग बादाम का जो शरबत है वो रेडी है। देख सकते हैं आप इसको, बहुत मज़े का। और देख लें कितना ज़्यादा ये वाइट बना है और बहुत ही जो है रिफ्रेशिंग है और बहुत ही ज़्यादा मज़े का बना है और बहुत ज़्यादा ठंडा ठार। और आप इसको जो है गर्मियों में पिए, गर्मियों में तो वैसे ही ये बहुत अच्छा रहता है और हेल्दी भी है, एनर्जी बेस्ड भी है। बादाम तो वैसे भी बहुत अच्छे होते हैं। तो ये आप होम मेड बादाम का शरबत की बोतल तैयार करें और जब चाहें शरबत पिए, और गर्मियों में बहुत ज़्यादा सही रहता है। तो उम्मीद करती हूँ आज की जो मेरी रेसिपी है वो आपको पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो इस रेसिपी को लाइक करें, मेरी रेसिपी को जो है शेयर करें, कमेंट में बताइएगा कैसी बनी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करती हूँ जो है आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को। तो नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।